हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आनंद कुमार तिवारी आप सबों के बीच जुफलिस्ट इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। और इस यूट्यूब चैनल में आप सबों को इंग्लिश को कैसे सीखना है और इंग्लिश को कैसे बिल्डअप करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश लिटरेचर को कैसे बिल्डअप करेंगे, ये सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बिल्कुल पूरे मस्ती से हर एक वर्ड को डे टू डे लाइफ से रिलेट करके समझेंगे। और इससे पहले भी मेरी वीडियो आई थी, कुछ कारणवश जो नेक्स्ट वीडियो आने में बहुत ज़्यादा लेट हुई है। कारण ये था कि अभी पूरे विश्व में अभी भी है, कुछ दिन पहले भी था और हो सकता है आने वाले दिन में भी होगा, लेकिन ये भगवान से गुजारिश करता हूँ कि आगे आने वाले दिन में इस तरह की पैंडमिक पूरे विश्व में ना हो। तो बस ये मैं बताना चाह रहा था कि पिछले कुछ दिन पहले इस कोरोना के पैंडेमिक में मैं भी इस चपेट में आया था। इसी कारणवश अभी कुछ आने में टाइम लगी इस वीडियो में, तो आप सबों से ये माफ़ी चाहता हूँ। तो इससे पहले भी मेरी वीडियो आई थी, उसमें मैंने बताया था एफिक्सेस के बारे में, मीन्स किसी भी वर्ड को कैसे समझेंगे कि उसका मीनिंग क्या बता रहा है। मीन्स क्या बड़े बड़े जो वर्ड हैं, बड़े बड़े जो वर्ड आते हैं उसको हम थ्री पार्ट, फोर्थ पार्ट या फिर दो पार्ट में डिवाइड करके उसको हम समझेंगे और बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, एक एक लेटर के साथ समझेंगे कि उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। और साथ साथ में इस क्लास के साथ साथ वाक्य भी करवाएंगे, आप सबको ग्रामर की पोर्शन भी करवाएंगे और साथ साथ में जो लैंग्वेज पेपर है, मीन्स कुछ नॉवेल्स, कुछ ड्रामा और कुछ पैथोस, ये सारे भी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। लेकिन ज़्यादातर जो फोकस होगी, जो मोस्ट ऑफ जो फोकस होगी वो उस पर वॉकेब पे होगी और ग्रामर पे होगी और लेटर वर्ड को ब्रेकआउट से हम कैसे समझेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा समय का व्यतीत न करते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। मैंने पिछले क्लास में बताया था एफिक्सेस के बारे में, वो इंट्रोडक्शन क्लास थी, और आज के क्लास में उस एफिक्सेस के मदद से, उस इंट्रोडक्शन क्लास की मदद से हम कुछ एग्जांपल करेंगे। जैसे थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि एफिक्सेस होता क्या है। एफिक्सेस उसको बोलेंगे जो किसी भी वर्ड को हम थ्री पार्ट में ब्रेकआउट कैसे समझेंगे। तो वो थ्री पार्ट कौन से हैं, पहला क्या है, हम पहले एफिक्सेस को कितने पार्ट में बांटेंगे, तो थ्री पार्ट में। पहला पार्ट क्या था, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बताए थे क्या होता है, फिर भी एक बार और बताऊंगा मैं इसे। फिर क्या है, इनफिक्स, और थर्ड क्या है, सफिक्स। डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, ये बिल्कुल एक एक लेटर, दो लेटर या फिर दो से अधिक लेटर या फिर कोई वर्ड आके, मींस क्या, किसी भी वर्ड के पहले, समझेंगे, किसी भी वर्ड के पहले कोई लेटर आना या फिर कोई वर्ड आना जिससे इस मेन वर्ड का क्या हो जाए, मीनिंग चेंज हो जाए, समझेंगे बहुत अच्छे से। अभी इसको नहीं, तो इसको बाद में रखते हैं, ठीक है, पहले इसको समझते हैं। जैसे कोई वर्ड आया है, उस वर्ड का एक अलग मीनिंग है, उसके बाद इस वर्ड के पहले इस वर्ड में कोई लेटर ऐड हुआ है या फिर कोई वर्ड ऐड हुआ है जिसके हेल्प से इसका मीनिंग चेंज हो जाए, एग्जांपल में समझेंगे अच्छे से। और थर्ड क्या है, इनफिक्स, तो समझते हैं कुछ इसमें। फिर भी इनफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स के मदद से, प्रीफिक्स या फिर सफिक्स के मदद से इस कोई भी वर्ड में उसका एक लेटर में चेंजिंग होना, मीनिंग में चेंजिंग नहीं होता है, इनफिक्स के मदद से, इनफिक्स के कारण उस वर्ड में मीनिंग का चेंजिंग नहीं होता है। होता है इसमें क्या चेंजिंग, इसमें केवल लेटर का चेंजिंग होता है। मैंने पहले ही बताया था इमेजिनेशन, डिसीजन, पिछले वीडियो का आप देखें, और बिल्कुल थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके या फिर स्लो करके या फिर जैसा स्पीड दिया गया है उसी स्पीड में देखें, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये प्रीफिक्स समझ में आया। प्री मीन्स क्या होता है, यहाँ देखिए, प्री मीन्स क्या होता है, बिफोर। क्या होता है, बिफोर मीन्स क्या, किसी भी वर्ड के पहले,
हिंदी नहीं लिखाऊंगा मैं, लेकिन हाँ हिंदी में समझाऊंगा। बिफोर, किसी भी वर्ड के पहले कोई लेटर आना क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। आने वाले लेटर, जाने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। थर्ड क्या है? इनफिक्स। तो मैंने बताया था कि इस सफिक्स या इस प्रीफिक्स की मदद से वर्ड का लेटर में चेंज होता है, उसका मीनिंग में चेंज नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे? इनफिक्स। समझेंगे? तो सफिक्स, सफिक्स क्या है? किसी भी वर्ड के बाद में, किसी भी वर्ड के बाद में कोई लेटर आना, कोई लेटर आना या फिर कोई वर्ड का ऐड होना क्या बोलेंगे? सफिक्स बोलेंगे, है ना। पहले इस वर्ड का अलग मीनिंग था, लेकिन ये सफिक्स ऐड होके इस वर्ड का मीनिंग को चेंज कर देना क्या बोलेंगे? सफिक्स बोलेंगे। आने वाले वर्ड या आने वाले लेटर को क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। तो कुछ कुछ एग्जांपल के साथ साथ समझेंगे इसको, एफिक्सेस को। जैसे बिल्कुल छोटा छोटा वर्ड है ना, बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड के साथ हम समझेंगे। जैसे पहला वर्ड क्या है, एग्जांपल फर्स्ट वर्ड क्या है? मैनेज। बिल्कुल बारीकी से सारे क्वेश्चन में बनाऊंगा, लेकिन एक दो ऐसे क्वेश्चन होंगे, एक दो ऐसे एग्जांपल होंगे जिसे आपको करना है और कमेंट्स में बताना है। और ये वीडियो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन दबाएं, क्योंकि ये बिल्कुल समझ में आएगा आपको, बिल्कुल। आपको एक जरा सा भी इसमें कंफ्यूजन होना नहीं है, एक जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला वर्ड क्या था? मैनेज। दूसरा वर्ड क्या है? हम लेते हैं प्ले लेते हैं, क्या लेते हैं? प्ले लेते हैं। और थ्री वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है? हम चाइल्ड लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं? चाइल्ड लेते हैं। उसके बाद फिर क्या लेते हैं? ऑनेस्ट लेते हैं, है ना, ऑनेस्ट। उसके बाद फिर क्या लेते हैं? रन लेते हैं। बस अभी इतना से समझते हैं। मैनेज, मैनेज मींस क्या होता है? किसी भी चीज को अच्छे से अरेंज करना, मींस क्या, उसको सिस्टमेटिक रूप से सजाना, मींस उसको अच्छे से एक बारीकी तरीके से उसको सजाना क्या बोलेंगे? मैनेज। जैसे किसी काम को हम किसी, मान लीजिए किसी के यहाँ पार्टी हो रही है, है ना, किसी के यहाँ पार्टी हो रही है, किसी बंदे को कोई काम दिया गया, है ना, कि ए भाई ये काम तुम्हारा रहा, इसको संभालो अच्छे से, मीन्स क्या, उस काम को अच्छे से करना क्या बोलेंगे? मैनेज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद प्ले है, चाइल्ड है, ऑनेस्ट है, फिर रन है, समझेंगे। मैनेज में क्या हम एफिक्सेस को ऐड करेंगे जिसकी मदद से इस मैनेज का मीनिंग का चेंज होगा, मैनेज अपने आप में किसी दूसरे मीनिंग में चेंज होगा। कैसे? अभी ये क्या है? मैनेज। अभी ये क्या है? मैनेज। अभी मैं मैनेज के साथ कोई दूसरा लेटर या फिर कोई दूसरा वर्ड हम ऐड करूं, जैसे मेंट। क्या ऐड करूं? मेंट, है ना, क्या ऐड करूं? मेंट। मैनेज के साथ में मेंट ऐड किया, और ये है क्या? ये सफिक्स है। क्यों सफिक्स है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, किसी भी वर्ड के बाद कोई लेटर या फिर कोई वर्ड आना क्या बोलेंगे? हम सफिक्स बोलेंगे। अब इसका मीनिंग क्या हो गया? मैनेजमेंट। अब इसका मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? मैनेजमेंट। कैसे? अब मैनेजमेंट को कैसे समझेंगे? जैसे उस बंदे को काम दिया गया था कि ये काम तुम करो, आ रहा समझ में, ये काम तुम करो, लेकिन ये काम बहुत ही अच्छे से हो गया, ये काम बहुत ही अच्छे से हो गया। तो जिसने काम दिया था उस, वो जो बंदा है पूछा, जिसने काम दिया था, जिस लड़के को काम दिया गया था, जिसने काम दिया और जिस लड़के को काम दिया गया था, उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हारा मैनेजमेंट कैसा था? मीन्स तुम्हारा कार्य का शैली, जो तुम काम किया था उसका मैनेजमेंट कैसा था? वो क्या बोलेगा? बिल्कुल अच्छा था। यहाँ ये देखिए, मैनेज अभी क्या है? वर्ब का काम कर रहा है। अभी ये मैनेज क्या है? वर्ब का काम कर रहा है। और ये मैनेजमेंट क्या है? तो ये वर्ब अब नहीं है, ये मैनेजमेंट अब ये वर्ब नहीं है, ये काम करवाना था, लेकिन ये काम हो चुका है, ठीक है। ये काम करवाना था मीन्स क्या? ये वर्ब है, अब ये काम हो चुका है। तो ये सफिक्स आके इस मैनेज का मीनिंग किसमें चेंज हो गया? मैनेजमेंट में। उसी तरह से प्ले हो गया। अभी देखिए, प्ले मीन्स क्या था? खेलना। प्ले मीन्स क्या था? खेलना। जैसे कोई बच्चा खेल रहा है ना, जैसे कोई बच्चा कोई गेम खेल रहा है, और इस प्ले के साथ
साथ मैं ER या फिर ING ऐड करूं, पहले हम प्ले को हम क्या बनाते हैं, प्लेयर, क्या बनाते हैं, प्लेयर, ठीक है। बच्चा तो खेल रहा था, है ना, बच्चा खेल रहा था, अब वो क्या बन गया, प्लेयर। उसे पूछा जाए अरे भाई तुम प्लेयर कैसे बना, तो प्लेयर कैसे बना, ये ER सफिक्स ऐड होके क्या बन गया, प्लेयर। अब ये क्या है, वर्ब है। अब ये प्लेयर क्या बन गया, नाउन हो गया, है ना। एक चीज हमेशा ध्यान देंगे, किसी भी वर्ब के साथ, यहां किसी भी वर्ब के साथ यदि हम ER या फिर OR ऐड करते हैं तो एक्चुअली बनता क्या है, कॉमन नाउन बनता है। क्या बनता है, कॉमन नाउन। तो अभी ये प्लेयर क्या है, कॉमन नाउन है। आ रहा समझ में, मींस क्या, ये प्ले किसमें चल गया, प्लेयर में। तो सफिक्स का कमाल देखेंगे आप, सफिक्स का कमाल देखेंगे वो किस तरह से किसी भी वर्ड के मीनिंग को चेंज करता है। और ये दूसरा क्या है, ये क्या बन गया, प्लेइंग। इसमें सफिक्स क्या है, तो सफिक्स ing है। प्ले मींस खेलना, ये पता नहीं है कि वह प्ले जो है सो पास्ट में है। केवल यदि मैं प्ले की बात करूं तो ये बात तो क्लियर नहीं हो रहा है कि ये पास्ट में है, फ्यूचर में है या फिर प्रेजेंट में है। लेकिन आप देखिए ing जो है, ing जो सफिक्स है वो ऐड आ गया किसमें, किसमें ऐड हो गया, प्ले में। अब ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस में हो गया। कोई भी खेलना क्या हो गया, कोई भी प्ले क्या हो गया, अब ये कॉन्टिन्यूअस में हो गया। मीन्स क्या, लगातार, है ना। मीन्स क्या हो गया, वो खेल रहा है, क्या करता है, खेल रहा है। ये खेलना, ये खेल रहा है, मीन्स का ये सफिक्स ऐड होकर इस प्ले का मीनिंग को क्या कर दिया, चेंज, प्लेइंग में कर दिया। उसी तरह से थोड़ा सा मैं रफ करूं इसको, आप वीडियो को बैकअप करके देख सकते हैं, बैक करके, है ना। अब ये क्या है, चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा। चाइल्ड मीन्स क्या हो गया, बच्चा। अभी ये क्या है, नाउन है, ठीक है। चाइल्ड मीन्स क्या हो गया, बच्चा। अभी मैं इस चाइल्ड के साथ ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, अगर मैं इस चाइल्ड के साथ क्या ऐड करूं, HOOD, क्या ऐड करूं, HOOD, ये क्या हो गया, सफिक्स हो गया। कैसे सफिक्स हो गया, क्योंकि इस वर्ड के बाद में कोई ऐड हुआ है तो क्या हो गया, सफिक्स हो गया। S for suffix, ठीक है, S for suffix, है ना। ये चाइल्ड में आके क्या ऐड हो गया, हुड ऐड हो गया। अब ये क्या बन गया, चाइल्डहुड। क्या हो गया, चाइल्डहुड। पहले क्या था, चाइल्ड मींस बच्चा, अब ये क्या बन गया, चाइल्डहुड मींस बचपना। देखिए इस हुड को आने से, इस हुड के आने से इस चाइल्ड का मीनिंग किसमें चेंज हो गया, चाइल्डहुड में। समझ रहे बातों को, ये चाइल्डहुड में चेंज हो गया। मींस क्या, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग क्या हो गया, अलग हो गया। एफिक्स तो यही है कमाल, यही है सफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स के मदद से इस किसी भी वर्ड के मीनिंग को हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। यही कमाल है एफिक्सेस का। दूसरा क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार। क्या होता है, ईमानदार। मैं देखिए इनके साथ कितने सारे सफिक्स ऐड करूंगा, जैसे यदि मैं इसके साथ DIS ऐड करूं, क्या ऐड करूं, DIS, ऑनेस्ट के पहले, अब ये क्या हो गया, प्रीफिक्स। क्यों, क्योंकि इस वर्ड के पहले क्या आया है, डिस आया है, ये क्या हो गया, P4 प्रीफिक्स, और ये ऑनेस्ट, अब ये बना क्या, डिसऑनेस्ट। क्या बन गया, डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान, यानी कि जिसके अंदर छल कपट हो, है ना, किसी के प्रति छल कपट हो, उसका दिल काला हो, है ना। सफेद सफेद दिल किस में होगा, ऑनेस्ट में, काला दिल किस में होगा, डिसऑनेस्ट में। तो आप समझेंगे इस चीज को, है ना, कि ये डिसऑनेस्ट क्या है, काले दिल वाला है कि नहीं। मीन्स क्या, किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी वर्ड के साथ मीन्स वर्ड के पहले अगर DIS आया है तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि वह क्या बताएगा, तो नेगेटिव मीनिंग को बताएगा। क्या बताएगा, नेगेटिव मीनिंग को। जैसे रिवार्ड, मैं अगर उसके साथ DIS ऐड कर दूं, है ना, सॉरी रिवार्ड नहीं, रिगार्ड, सॉरी रिगार्ड, है ना, रिगार्ड, रिवार्ड नहीं, रिगार्ड। अगर मैं रिगार्ड के साथ DIS ऐड करूं तो क्या बन गया, डिसरिगार्ड।
कैसे? अभी नेगेटिव मीनिंग कैसे बनेगा, इसका भी मीनिंग अलग होना चाहिए, तभी ये डीआईएस अलग मीनिंग निकलेगा, ठीक है। जैसे डिस्टर्ब, डिस्टर्ब आप डिक्शनरी में चेक करेंगे उसमें भी डीआईएस लगा हुआ है, लेकिन टर्ब का मीनिंग कोई दूसरा नहीं होता है। आप डिक्शनरी में चेक करेंगे तो टर्ब का मीनिंग नहीं निकलेगा। अब लेकिन दे देता है गूगल पे, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें टर्ब का मीनिंग नहीं मिलेगा। तो टर्ब, टर्ब के साथ अगर मैं डीआईएस लगा हुआ है तो डिस्टर्ब है ना, परेशान करना, डिस्टर्बेंस क्या होता है, परेशान करना, लेकिन वहां डीआईएस का नेगेटिव मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। डीआईएस का नेगेटिव मीनिंग सॉरी होगा, लेकिन वहां टर्ब का दूसरा मीनिंग नहीं निकलेगा। डीआईएस नेगेटिव मीनिंग तब होगा जब उसके साथ जो एड जो किया गया वर्ड है उसका भी मीनिंग क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्ट का भी ईमानदार है, तो इसका मीनिंग अलग निकल रहा है। अब ये डीआईएस किसके साथ ऐड हो गया, ऑनेस्ट के साथ, तो क्या बन गया, डिसऑनेस्ट। क्या बन गया, डिसऑनेस्ट मींस क्या, ये नेगेटिव मीनिंग है, काला दिल वाला। आपको एक दिया गया है रन, है ना, तो इसका आंसर आपको किसे बताना है कमेंट्स में, कि रन का, रन के साथ हम क्या प्रीफिक्स, क्या सफिक्स को ऐड करेंगे, मींस टोटली किस एफिक्सेस को मैं ऐड करूं ताकि ये रन किसी दूसरे वर्ड में चेंज हो जाए। आज का क्लास यही समाप्त करेंगे, जो आगे की जो वीडियो आएगी, आगे की जो क्लास आएगी उसमें बिल्कुल फोकस रहेगी ग्रामर के साथ साथ वॉकैब पे भी, थोड़ा ग्रामर थोड़ा वॉकैब, थोड़ा ग्रामर थोड़ा वॉकैब, है ना, उस पर ध्यान देंगे। मींस क्या, ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, वर्ड पे, किसके मदद से, एफिक्सेस की मदद से। लोग ये भी पूछते हैं कि लोग ये भी पूछेंगे कि सर एफिक्सेस कहाँ जरूरत आएगी, एफिक्सेस का काम कहाँ आएगा, तो एफिक्सेस का काम कहाँ आएगा, जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा ना, जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा, नाउन पे जब डिस्कशन होगी तो वहां एक पढ़ना पड़ता है क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या पढ़ना पड़ता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उस अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको बिल्कुल एफिक्सेस बहुत ही अच्छे समझ में आएगी, और एफिक्सेस का वहां कमाल और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। एफिक्सेस का कमाल इतना ज्यादा है वहां उस जगह पे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन पे बिल्कुल अलग तरह से ग्रामर पढ़ाऊंगा मैं। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहें, आने वाले वीडियो के साथ आप बने रहें, ताकि आपके इस इंग्लिश लिटरेचर में या फिर इंग्लिश ग्रामर में या फिर इंग्लिश के लैंग्वेज में आपका बहुत ज्यादा बिल्डअप होगा। धन्यवाद।